नमस्कार भैया बहनों, आज हम कक्षा दसम में सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत अध्याय एक स्वर्णिम भारत का भाग दस का अध्ययन करेंगे। देखिए, बाह्य आक्रमण और आत्मसातीकरण, मतलब जो बाहर के विदेशियों ने हमारे ऊपर आक्रमण किए, अलग अलग जातियों ने, और किन चीज़ों को आत्मसातीकरण का मतलब है अपनाना। सबसे पहले हम शक जाति के बारे में पढ़ेंगे। शक मध्य एशिया की लड़ाकू जनजाति थी, जिसने पश्चिमी अफगानिस्तान और बलूचिस्तान के सारे प्रदेश पर अधिकार कर लिया। इनने अधिकार कर दिया था। यहाँ से शक बोलन दर्रे से होकर लगभग 71 ईसा पूर्व में भारत आए। शक कहाँ से, किस रास्ते से आए थे? बोलन दर्रे से होके। कब? 71वीं ईसा पूर्व में। रामायण और महाभारत में शक बस्तियों को कंबोजों और यवनों के साथ रखा गया। कालकाचार्य कथानक में भारत पर शकों के आक्रमण का उल्लेख मिलता है। कालकाचार्य के अनुसार हमें जानकारी मिलती है कि उन्होंने शक शासकों ने हमारे भारत पर आक्रमण किया, जिसमें उन्हें शकगुल यानी शक कुल कहा गया। किसको? शकों को। सिंधु प्रदेश को जीतकर उन्होंने सौराष्ट्र में शक शासन की स्थापना की। मुद्राओं और लेखों से स्पष्ट होता है कि इनकी शाखा ने उत्तरापथ और मथुरा में अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। वहाँ पे जो मुद्राएं मिली, जो अभिलेख मिले, उनसे ये जानकारी मिलती है कि शकों की एक शाखा ने उत्तरापथ और मथुरा में भी अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था, और कालांतर में वो अवंती, सौराष्ट्र और महाराष्ट्र में फैल गए थे। बाद में उनका विस्तार उनके अपने राज्य की सीमा को अवंती, सौराष्ट्र और महाराष्ट्र तक भी फैला लिया था। तक्षशिला के शक शासकों में मावेज और एजेज के नाम आते हैं। तक्षशिला में शक शक्ति का विनाश पल्लवों द्वारा हुआ। किसने विनाश किया इनका? शकों का? पल्लव द्वारा। हमामस और हगान मथुरा के प्रारंभिक शक सत्रप थे। कौन कौन? हमामस और हगान। मथुरा से प्राप्त सिंह शीर्षक लेख में बाद में शक शासक राजबुल को महाक्षत्रप कहा गया। राजबुल जो शकों का शासक था, उसको महाक्षत्रप की उपाधि प्रदान की गई। मथुरा के शकों ने पूर्वी पंजाब तक अपनी सीमा का विस्तार किया। मथुरा में जो शक शासक थे, उन्होंने पूर्वी पंजाब तक अपनी सीमा का विस्तार कर लिया था। मथुरा में शक शक्ति का विनाश कुषाणों द्वारा किया गया। जो शक शासकों को पराजित किया, इनके शक्ति का जो इनको कम किया, वो किसने किया? कुषाण शासकों ने। पश्चिमी भारत में शकों के सहरात वंश के भूमक और नहपान दो शासक हुए। पश्चिमी भारत में शक शासकों के सहरात वंश में दो शासक हुए, एक तो नहपान और एक भूमक। इन शक शासकों ने सातवाहनों से कुछ प्रदेश जीते और महाराष्ट्र, काठियावाड़ और गुजरात पर शासन किया। नहपान के समय भारत और पश्चिमी देशों के बीच समृद्ध व्यापारिक संबंध रहे। यानी नहपान के शासनकाल में पश्चिमी देशों और भारत का व्यापारिक संबंध मधुर रहे। जोगल थाम्बी नामक स्थान से मिले सिक्कों से यह प्रमाणित होता है कि नहपान गौतमी पुत्र सात करने से पराजित हुआ था। जोगल थाम्बी नामक स्थान पर जो सिक्के प्राप्त हुए, उनके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि नहपान किससे पराजित हुआ? गौतमी पुत्र सातकर्णी से। नासिक लेख में गौतमी पुत्र सातकर्णी को सहरात वंश का उन्मूलक कहा जाता है। कौन से वंश का? सहरात वंश का उन्मूलक। किसको? गौतमी पुत्र सातकर्णी को। उज्जैनी और काठियावाड़ के शक शासकों में चष्टन का नाम आता है।
जिसने उज्जैनी में शक राजवंश की स्थापना की थी। इस वंश के शासकों ने अपने लेखों और मुद्राओं पर शक शब्द का उपयोग किया था। चष्टन का पौत्र रुद्ररामन महत्वपूर्ण शासक हुआ। चष्टन का पौत्र था, क्या नाम था उसका? रुद्ररामन। यह बड़ा महत्वपूर्ण था। इसके बारे में जानकारी जूना लेख से प्राप्त होती है। चष्टन के बारे में जो हमें जानकारी प्राप्त होती है जूनागढ़ अभिलेख से प्राप्त होती है। रुद्ररामन का साम्राज्य पूर्वी पश्चिमी मालवा, द्वारिका, जूनागढ़, साबरमती नदी, मारवाड़, सिंधु घाटी, उत्तरी कोंकण और विंध्य पर्वत तक फैला हुआ था। मुद्राओं से प्रदर्शित होता है कि चष्टन का वंश 305 में समाप्त हो गया था। जो मुद्राएं वहाँ से प्राप्त हुई उनके आधार पर हम कह सकते हैं कि जो चष्टन का वंश था वो समाप्त हुआ 305 में। अब हम पढ़ते हैं अन्य जाति हूण के बारे में। जिस प्रकार शक को लड़ाकू जाति माना जाता था उसी प्रकार हूण भी मध्य एशिया की बर्बर जाति थी। इसने शकों की भांति उत्तर पश्चिमी सीमा की ओर प्रवेश किया। कहाँ से प्रवेश किया इसने? उत्तर पश्चिमी सीमा से। यह देते भी पुकारे जाते हैं, देते यानी राक्षस। इनको एक राक्षस की संज्ञा भी दी गई। सर्वप्रथम 458 ईस्वी के लगभग स्कंदगुप्त के समय इनका आक्रमण हुआ जिसमें उनकी पराजय हुई। कालांतर में तोरमान नामक सरदार ने गुप्त साम्राज्य को क्या हुआ तेरे? यार तुम क्या हुआ? हेलो।
भगवान नवी का रजिस्टर पढ़ा वो देखते देखो नया रजिस्टर भी गया वहाँ पर दसवीं का देखते नया रजिस्टर भी रखे हो क्या मान नहीं हुआ यार दसवीं का तो यही होना चाहिए हैं सारे पुराने आदित्य जैन है ना 10001 यार सारी बीच में तो ये कालांतर में तोरमान नामक सरदार ने गुप्त साम्राज्य को नष्ट भ्रष्ट करके पंजाब राजपूताना और सिंध और मालवा पर अधिकार करके महाराजा अधिराज की पदवी धारण कर ली थी। किसने? तोरमान ने। किस कौन सी उपाधि प्राप्त की? महाराजा अधिराज की। तोरमान का पुत्र महिर कुल जिसका राज्य 510 ईस्वी से आरंभ हुआ सयालकोट में इसकी राजधानी थी। किसकी? मिहिर कुल की राजधानी क्या थी? सयालकोट। बौद्ध भिक्षुओं से महिर कुल को घृणा थी, मतलब बौद्ध धर्म से नफरत करता था और जो इनके भिक्षु थे उनको भी वो नफरत की दृष्टि से देखता था। उसने अनेक मठों और स्तूपों का निर्माण करवाया। मठ और स्तूप क्या है? धार्मिक स्थल हैं जहाँ पे साधु संन्यासी लोगों का निवास रहता है। मालवा के शासक यशोधर्मा ने इसे पराजित किया। पराजित होने के बाद यह कश्मीर चला गया
और कश्मीर में अपना राज्य कायम किया। हूणों के आक्रमण के कारण गुप्त साम्राज्य नष्ट हो गया। अब हूण के विनाश का कारण क्या रहा? गुप्त साम्राज्य। और भारत की राजनीतिक एकता समाप्त हो गई। देश पुनः छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया। शक शासक के बारे में पढ़ा, हूणों के बारे में पढ़ा, अब आता है हमारे पास कुषाण वंश के बारे में हम अध्ययन करते हैं। कुषाणों को यूची या तोचेरियन भी कहा जाता है। यूची कबीला पांच भागों में बटा हुआ था। इन्हीं में से एक कबीले ने भारत के कुछ भागों पर शासन किया। तो देखिए कुजल कडफीसस प्रथम, जिसने 15 ईस्वी से लेकर 65 ईस्वी तक शासन किया और ये कुषाण शासक था। यह अपनी जाति के गौरव का संस्थापक था। संस्थापक यानी इसने अपने कुल का, अपने वंश को गौरवान्वित किया। इसने दक्षिणी अफगानिस्तान, काबुल, कंधार और पर्थिया के एक भाग को अपने राज्य में मिला लिया था। इसने वैदिक धर्म को अंगीकार किया, अंगीकार यानी स्वीकार किया। इसके बाद अब आते हैं हमारे सामने अगले शासक के रूप में भीम किडफिस द्वितीय। भारत के विशाल क्षेत्र पर इसका राज्य था। यह सेव मत का अनुयायी, इसकी कुछ मुद्राओं पर त्रिभुज त्रिशूलधारी व्याघ्र चर्माग्राही अभिमुख भगवान शिव की आकृति अंकित है। इसने भारत में पहली बार अपने नाम के सोने के सिक्के चलाए। तो भारत में पहले बार सोने के सिक्के चलाने वाला व्यक्ति कौन? कुषाण वंश का शासक भीम कडफिस द्वितीय। अब हम कनिष्क के बारे में जानकारी करते हैं। यह भारत के प्रमुख कुषाण राजाओं में माना जाता है। परंपरा के अनुसार इसके समय में कश्मीर में कुंडल वन में आचार्य पार्श्व की अध्यक्षता में चौथी बौद्ध संगति का आयोजन किया गया। तो कश्मीर का स्थान है कुंडल वन, यहाँ पे पार्श्व आचार्य की अध्यक्षता में चौथी बौद्ध संगति का आयोजन हुआ। इसकी प्रथम राजधानी पेशावर और दूसरी राजधानी का नाम मथुरा था। इसने 78वीं ईस्वी में नया संवत चलवाया, जिसे शक संवत के नाम से जाना जाता है। कनिष्क ने कश्मीर को जीतकर वहां कनिष्कपुर नामक नगर बसाया। उसने कनिष्कपुर नगर कहां बसाया? कश्मीर में। किसको जीतकर? कश्मीर को जीतकर। उसने कासगर, यारकंद और खोतान पर भी विजय प्राप्त की। महास्थान बोगरा में पाई गई सोने की मुद्रा पर कनिष्क की एक खड़ी मूर्ति अंकित है। सोने की मुद्रा पर कनिष्क की खड़ी मूर्ति हमें दिखाई देती है। मथुरा जिले में कनिष्क की एक प्रतिमा मिली। इस प्रतिमा में उसने घुटने तक चोगा और भारी बूट पहने हुए हैं, यानी जूते पहने हुए थे। एक तांबे के सिक्के पर कनिष्क को वेदी पर बलि देते हुए भी दिखाया गया है। कनिष्क, वसुमित्र, अश्वघोग जैसे बौद्ध विचारक, गणितज्ञ और चरक जैसे चिकित्सक विद्वान थे। महायान शाखा का बुद्धि और प्रचार कनिष्क के समय में ही हुआ था। उत्तर भारत में
कुषाण शासकों की सत्ता लगभग 230 ईस्वी तक बनी रही, उसके बाद ये इनका ह्रास हो गया यानी विनाश हो गया। इस समय रोम से भारत का व्यापार काफ़ी लाभप्रद स्थिति में था, जिससे भारत की आर्थिक समृद्धि आई। अब आत्मसातीकरण यानी इन्होंने किन किन चीज़ों को अपनाया, शक हुण कुषाण विदेशी जातियाँ थी, इन्होंने शासन तो किया लेकिन धीरे धीरे इनका भारतीय समाज और संस्कृति में आत्मसातीकरण हो गया यानी इनमें जुड़ाव हो गया, उनमें मिल गए। भारतीयों की उदार प्रवृत्ति के कारण ये बर्बर कबीलाई जातियाँ जो समाज का अंग बन गई, क्योंकि भारतीय लोगों को उदारता का प्रतीक माना जाता है, तो उनके संपर्क में आने से जो ये बर्बर जाति थी वो भी समाज का अंग बन गई। कुषाण शासकों में तो वैदिक धर्म पालन और सेव मत की निष्ठा सर्वमान्य रही। कनिष्क द्वारा की गई बौद्ध धर्म की सेवा तो उसे भारत के महान अधिष्ठित करती है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।